नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डफी रोटवेलर में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है डॉग की पोटी ट्रेनिंग के ऊपर। शुरू में बता रहा हूँ, वीडियो बड़ी होने वाली है, थोड़ा घसड़ पसड़ आपको लगेगा इसके अंदर कि यार बहुत ज़्यादा आप है, या तो बहुत ज़्यादा लफड़ा है, लेकिन मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ आजकल मेरी वीडियोज़ के अंदर वो ज्ञान आपको मिलेगा जो यूट्यूब और गूगल पर आपको कोई नहीं बताने वाला है। सच्चाई कोई नहीं बताता है। अभी जितने भी पोटी से रिलेटेड या डॉग पोटी ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियो है ना, डॉग पोटी खाता तो ये इलाज करो, कोई का भी इलाज सक्सेस नहीं है। आपके भाई ने जो दो वीडियो बनाए ना, वो देखना 101% इलाज हो जाता है, हाथों हाथ पोटी खाना छोड़ देता है डॉग। दूसरा, पोटी अब बाहर करना कैसे सिखाएं उसको, घर में कर रहा है। उसके ऊपर अब आपको बता दूँ, मेरा प्लान था ट्रेनिंग वगैरह की सारी सीरीज बाद में बनाएंगे जब वापस मैं डॉग लेके आऊँगा एक और, तब मैं इनका बचपन से लेकर उसकी बड़े हुए तक हर टाइप की सीरीज चलाऊंगा। लेकिन कहीं कहीं आवश्यकता हो जाती है किसी चीज़ की ज़्यादा, तो उस पर टॉपिक बनानी पड़ जाती है वीडियो। ठीक है, सिर्फ ऑडियो है, वीडियो में दिखा रहा कुछ नहीं हूँ, लेकिन बता आपको वो दूंगा जो आपने कहीं नहीं देखा होगा यूट्यूब गूगल पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे जो दो पुराने वीडियो है उनको देख लेना, अगर पोटी खाता है वो, ठीक है, उसका इलाज हो जाएगा, वो पोटी खाना छोड़ देगा 101%। दो वीडियो में डाल चुका हूँ, 101% उसका इलाज हो जाएगा। दूसरा, उसको घर से बाहर पोटी करना कैसे सिखाएं, जैसे कि और वीडियोस जितने भी है ना यूट्यूब पे, वो लोग जो आपको दिखाते हैं उसको ऐसे करो, बकवास है, सब बकवास है, कचरा है, एकदम कचरा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कहीं भी, कोई भी वीडियो में ऐसा ज्ञान नहीं है जो 100% सक्सेस है। जो कुत्ता घर में करने लग गया ना, जिस कुत्ते ने घर में साल दो साल पोटी कर ली, वो जिंदगी में नहीं छोड़ता, ऐसे घटिया ज्ञान से, वापस सुनना ध्यान से, वो जिंदगी में नहीं छोड़ता ऐसे घटिया ज्ञान से, क्योंकि ऐसे 10 मिनट की वीडियो से आप नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए आपको सही दिशा दिखाना आवश्यक होता है। वो कैसे छोड़ सकता है, अब मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर वो पोटी खाता है तो आपको उसको पोटी खाना छुड़ाना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको कोशिश चालू करनी पड़ेगी। 1-2 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने का काम नहीं है, आपको 6-6 महीने तक लग सकते हैं परमानेंट छुड़वाने के लिए। छोड़ देगा वो 1-2 महीने में घर में करना, कभी कभार कर जाएगा, लेकिन तो उसको परमानेंट छुड़ाने के लिए पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में उसको पोटी कैसे छुड़वानी है वो आप वीडियो देख लेना, पोटी खाना है वो छुड़वाओ सबसे पहले, क्यों घर में करता है ना कुत्ता, वही पोटी खाता है, बाकी पोटी कुत्ता नहीं खाता। ठीक है, दूसरा पॉइंट, पहला है पोटी खाना छुड़वा दो उसको, दो वीडियो मेरे शुरू के वो डाल दो, वो देख लेना आप, मैं डाल चुका हूँ, उनको देख लेना, पहले पोटी खाना छुड़वाना है, और अगर खाता नहीं इसी घर में करता है जो बहुत कम चांस होते हैं, तो अब क्या करना है आपको, उसको जब भी वो उसका पोटी का टाइम होता है उसको नोट करना पड़ेगा। आपके डॉग को आपकी नज़रों के सामने रखो, उसको वहाँ बांधो जहाँ आप पूरे दिन उस पर नज़र रख सको, जैसे कि मेन गेट होता है तो गेट के पास बांधो उसको। ठीक है, कोशिश ये रखो कि उस पर आप ध्यान रहे पूरे दिन आप, और खाना खिलाने के बाद में उसको, दिन में 2 बार जब खाना खिलाते हो, दोनों बार खाना खिलाने के बाद उसको बाहर लेके जाओ, और तब तक बाहर लेके जाओ, रखो उसको, घुमाओ उसको, 1-2 घंटा लग जाए, 2.5 घंटे लग जाए, उसको घर पर मत लेके आओ कि वो पोटी कर ले। ठीक है, अगर वो बाथरूम भी बाहर करता है ना, तो आप उसको हाथों हाथ बहुत सारा प्यार करो, बहुत सारा उसके ऊपर हाथ वाथ फेरो, बहुत सारा प्यार करो, और उसको जो भी आप बोलते हो, गुड बॉय, गुड गर्ल, शाबाश बेटा, या जो भी आप उसको, आपका डायलॉग है उसको, जो हमेशा से उसको शाबाशी के टाइम आप बोलते हो कुछ काम आपकी बात मानने पे, वो डायलॉग आप उसको बोलना है, और उसको बहुत ज़्यादा प्यार करना है, और उसको उसकी फेवरेट चीज़ कुछ भी खिला दो। अगर मांसा, अगर आपके घर पर मांस वगैरह चलता है तो आप अंडा रखिए, सबसे बेस्ट चीज़ है कुत्ते के लिए, कुत्ता भूलेगा नहीं कभी उस चीज़ को। अंडा है, रोज़ का 1 अंडा लियो, 5-6 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, अंडा उबाल लो, आधा अंडा सुबह आधा अंडा शाम को, करना क्या है जेब में डाल लो, ठीक है, जेब में डाल लो और उसको ले जाओ घुमाने, पहले 1% मत देना, खाना खिलाने के बाद उसको ले जाओ, और जब तक वो पोटी या टॉयलेट कुछ भी नहीं करे बाहर, जब तक उसको देना नहीं, और जिस दिन वो नहीं करता है उस दिन उसको मत दो, अंडा देना ही नहीं उसको उस दिन, सिर्फ वो तभी दो जब वो बाहर पोटी करता है। अंडा अगर आपके घर पर नहीं चलता है तो कुछ भी उसकी फेवरेट चीज़ हो ना वो ले जाओ आप, एप्पल वगैरह हो तो एप्पल का पीस ले जाओ, कभी बनाना का पीस ले जाओ, अंगूर मत दे देना गलती से भी, फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अंगूर तो देना ही नहीं है उसको, बहुत घटिया चीज़ है, कुत्ते को दे मत देना अंगूर, कुछ भी उसकी फेवरेट चीज़ है वो लेके जानी है उसके साथ में। तीसरा, मतलब बाहर पोटी करेगा या टॉयलेट करता है तो उसको दो और बहुत सारा प्यार करो हर बार,
या मशरम करने लग जाना कि यार अभी ये पोटी कर रहा है वहाँ पे, वो लड़की देख रही है, वो लेडीज देख रही है, वो आदमी देख रहा है, वो भाई देख रहा है कि यार कुत्ता तो हग रहा है, ये इसको प्यार कर रहा है। अपने को उसको जो सिखाना है वो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है उसके साथ में, डॉग के साथ में, या आपके घर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेशरम हो जाना इस मामले में। तो जहाँ उसने कर दी वहीं पर उसको बहुत सारा प्यार करो, लेकिन घर पे करने पे उसको सिर्फ डांटो, मारना मत। मारने से कभी नहीं होगा। बहुत से लोग होते हैं परेशान होकर पीट लग जाते हैं उसको, धाएं धाएं ले डंडा ले चप्पल ले बेल्ट, कुछ नहीं होगा। उसको समझ नहीं आती, जानवर है। ठीक है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा आपको। तीसरा पॉइंट, जब वो घर पे कर देता है तब क्या करना है, उसको डांट दो, उसको साइड में करो, वहां पे मतलब जहां पे बांध रखा है वहां से उसको हटाओ एक बार। ठीक है, उसको डांट के हटा दो, उसको पता चलना चाहिए कि अपने को डांटा है। पोटी करते ही नजर तो रख ही रहे हो आप, गेट पे बांधा हुआ है। अगर आपका ध्यान नहीं रहे वो कर दे, अगर ध्यान पड़ जाता है तो उसी वक्त बाहर ले जाओ उसको, उसी वक्त बाहर ले जाओ उसको। ठीक है, जब लगे कि यार पोटी कर रहा है, हाथों हाथ खोल के बाहर ले जाओ उसको उसी वक्त, चाहे कोई भी टाइम हो रहा हो। और जब तक पोटी नहीं करे फिर उसके बाद में घंटे 2-1 घंटे तक उसको अंदर मत ले जाओ वापिस। ठीक है, और वही बाहर पोटी कर लेता है फिर उसको प्यार व्यार करो। ट्रीट जो उसकी है उसकी गेट के पास में या कहीं भी, आप उसकी डेली तैयार रखो। ठीक है, पहले से आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, इतना ईजी नहीं है ये चीज़ सिखानी। ठीक है, तो ट्रीट उसकी जो है वो आप गेट के पास में कहीं पर ऐसी जगह रखे रखो साइड में, कि जब भी लगे कि हाँ यार पोटी करेगा, अभी अलग ही पता चल जाता है, उसकी पोजिशन अलग ही हो जाती है। ठीक है, उसी वक्त उसको खोलो हाथों हाथ चेन को और बाहर लेके जाओ उसको। क्या बोल रहा था यार, मतलब टॉपिक निकल गया दिमाग से यार। घर में मन कहा था ना, भी काम चल रहा है, जो दिमाग खराब हो जाता है बीच के अंदर, सिस्टम हैंग हो जाता है। कहाँ पे थे अपन, ट्रीट पे थे उसकी। तो ठीक है, डिस्टर्ब के लिए माफी चाहता हूँ, आप थोड़ा चेंज हो गया सिस्टम वापस। आपको उसको गेट पे बांध के रखना है जब वो पोटी कर देता है, मतलब सॉरी पोटी की पोजीशन में लगे तो आपको उसको खोल के लेके जाना है। और अगर गलती से वो कर देता है उसको डांटो, उसको साइड में दूसरी जगह लेके जाके बांधो। उसकी नज़र में नहीं रहनी चाहिए वो पोटी उस टाइम पे जब ये काम कर रहे हो, जो अब मैं बता रहा हूँ वो काम करना है, लेकिन उसकी नज़रों के सामने नहीं करना। ठीक है, उसको डांट के ले गए वहाँ से, पोटी को उठा के तो फेंकनी है, उठा के फेंक दो वहाँ पे हाथों हाथ, वो क्या नाम, शैम्पू सर्फ ये चीज़ डालो और उसको रगड़ दो और धो दो उसको वहां से, हाथों हाथ धो दो। अगर घर में टॉयलेट कर दी, हाथों हाथ उसको दूसरी जगह बांधो, डांट के डांट दो उसको और दूसरी जगह बांध दो और वहां से उसको धो दो अच्छी तरह से। मेन गेट पे बांधोगे तो वहां पे धोने का भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं रहता है। मेन गेट जो होता है ना बाहर का गेट, मेन गेट, वहां पे क्या धोने का ज्यादा तफड़ सी होगा लोगों के घर पर, जहां नी मिट्टी है तो उसको दूसरी जगह बांध दो, ऐसे करके सिस्टम आप सेट कर लेना। ठीक है, तो वहां पे पूरा आप धो दो उसको बढ़िया, उसमें मतलब स्मेल नहीं रहनी चाहिए। डॉग ज़्यादातर पोटी वहाँ करता है, उस एरिया में करता है जहाँ पे उसको स्मेल आती है अपने मलमूत्र की, तो उसको आदत पड़ जाती है करने की। तो उसको आप धो दो एरिया को और उसको वापस वहाँ पे लाके बांध दो सूखने के बाद में। ठीक है, ये काम आपको हाथों हाथ करना है। ठीक है, ये आपको नियम बना के रखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा उस पर ध्यान दोगे उतना ही जल्दी सिस्टम चेंज हो जाएगा। 6 महीने तक लग सकते हैं 101% सीखने में। ठीक है, क्योंकि कमी रह जाती है, हम डेली उतना ध्यान नहीं दे पाते, कभी कभार हमारी कमी रह जाती है। सुसु कर देता है पोटी तो फिर भी अपन पकड़ लेंगे, नोटिस हो जाता है नज़र के सामने, अगर हम हमारे हैं मेन गेट, कई भाइयों के अंदर बैठे हैं बाहर गेट पे नज़र ही नहीं रहती है तो कर देगा। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसलिए बता रहा हूँ 6 महीने। लेकिन अगर ये नहीं करोगे ना जो मैंने कहा वो चीज़ें आप नहीं करोगे तो वो ज़िंदगी में नहीं सीखेगा, ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। तो ये नियम ही बांध लो, उसकी ट्रीट को एनी टाइम पड़ी रखो, जब भी उसको खाना खिलाते हो खाना खिला के उसको बाहर ले जाओ घुमा के, घुमाने तब तक मतलब जब तक वो पोटी नहीं करे, खाना खाने के बाद वो करता ही है। ठीक है, उसको घुमाओगे ना खाना खाने के बाद, ऑटोमेटिक उसका सिस्टम अलग हो जाएगा। वीडियो समझ में आ गई होगी, मुझे नहीं लगता कुछ मैंने छोड़ा है वीडियो के अंदर, एक सेकंड पॉज करके और मैं सोच लेता हूँ कुछ। ठीक है, कुछ पॉइंट अगर आपको बताने लायक हो तो, वैसे तो मेन मेन पॉइंट मैं बता चुका हूँ। और हाँ एक चीज़ और दिमाग में ही, मैंने देखे हैं कई जगह कई लोग बेवकूफ़ बेचते हैं, बेवकूफ़ बना के, वो तो बेवकूफ़ है नहीं, बेवकूफ़ सिर्फ बनाने का काम है उनका। स्प्रे आने लग गया आजकल, कोई पोटी का स्प्रे आ गया, ये छिड़क दो वो कर दो, ऐसी चीज़ें हैं। पोटी पेड आ गए, ये पेड लिया हो, ये पेड पर आदत पड़ जाएगी रो की, फिर इस पेड को बाहर रख देना। और कई लोग कहते हैं अखबार बिछा दो जहाँ पोटी करता है वहीं पर कोने में करने लग जाएगा, फिर उन अखबारों को उठा के बाहर फेंक दो। और ऐसे ऐसे कोई बकवास आपको बताया ना, उन बकवासों से दूर रहना। कोई स्प्रे नहीं आया, कोई ऐसा इलाज नहीं है, कोई पोटी पेट नहीं होता, कुछ सिस्टम नहीं है, वो घर में करता रहेगा जिंदगी भर।
ठीक है, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ छोड़ा है। वीडियो समझ में आ गई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। तुम्हारे भाई का चैनल है टफी रोड वेलर, सब्सक्राइब करो, लोगों को करवो, लोगों को जागरूक होने का पहली बार यूट्यूब पे मौका मिल रहा है। तो जितने भी डॉग लवर मेरे भाई हैं, वीडियो को शेयर किया करो सुनने के बाद में, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी टॉपिक आप लोगों को लगता है ना यार इसके ऊपर मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट कर दिया करो, मेरे पास जब भी समय होगा मैं कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी 15-20 दिन की बात है, 15-20 दिन में एक बार घर में पूरा काम चला जाए, उसके बाद में भी मैं जैसे भी फ्री टाइम रहेगा एक ही दिन में चाचा पापा से वीडियो जितना मुझे पता है वो सारा ज्ञान मैं डाल कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.